चैप्टर का नाम एक्सरसाइज है 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन है, कह रहे कि दो घन ईच वॉल्यूम ऑफ कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है, इन फलकों को मिलाकर जोड़ दिया जाता है। फिर आगे कह रहा है कि इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, मान लो कि एक क्या दे रखा था, घन दिया हुआ, क्या दिया था क्यूब, वैसे दो घन है ये, दोनों का आपको आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है, इसका आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्या दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक और घन दे रखा है जिसका आयतन कितना दे रखा है, उसका भी कितना ही है 64 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कि इन दोनों के फलकों को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है क्यूबॉइड, घनाभ क्यूबॉइड बनाया जाता है। तो दोनों को जोड़ने के बाद इसकी लंबाई अलग हो जाएगी, क्योंकि इसकी लंबाई ये है, अभी इसकी लंबाई ये है, दोनों को जोड़ देंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब आप जोड़ोगे तो देखो क्या डायग्राम बनेगा, कुछ डायग्राम इस तरीके डायग्राम बनाओ या कुछ भी करो, इसका लिखते हैं घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसकी साइड निकालोगे, जब साइड निकालोगे तो अंडर रूट 364 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू को जब आप फैक्टर करोगे 64 का फैक्टर करोगे 64 चार करोगे चार से करोगे 16 चार से करोगे चार और चार से करोगे एक। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक घन है उसका साइड कितना आ गया, उसकी भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। जब अब कह रहा है कि इससे जोड़कर एक क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा घनाभ बनेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा इसकी लंबाई ये 4 सेंटीमीटर थी, ये चार थी। तो अभी इसकी घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 और 4 कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, अच्छा चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा तो अब कह रहे हैं कि इसका आपको क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बच्चे, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HF। इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 2L की वैल्यू कितना है 4, और 4 8 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 32। ठीक है, प्लस में B और H को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे 16, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32। जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 64 और 16 80। ठीक है, कितना हो जाएगा 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।